ये क्या हुआ? किताब बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। रिनी ने किताब के सारे पेज पलट कर देखे, पर पूरी किताब में एक शब्द भी नहीं लिखा था। वंशु, वंशु जल्दी आ यहाँ। क्या है यार, क्यों चिल्ला रही है? रिनी ने अपनी दोस्त वंशिका को अपनी किताब दिखाई जो बिल्कुल कोरी हो चुकी थी। वंशिका भी हैरान रह गई। फिर दोनों ने किताब को वहीं पर छोड़ दिया और जाकर पूरी बात हॉस्टल की वार्डन लीना को बताई। लीना उनके साथ हॉस्टल के कमरे में गई और किताब को खोलकर देखा। क्या बकवास है, क्या परेशानी है इस बुक में, सब ठीक तो है? मैम प्लीज ट्रस्ट मी, इस किताब की सारी लाइन्स अभी गायब हो गई थी। हाँ मैम, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई ब्लैंक ड्राइंग बुक होती है। तुम लोग जाकर सो जाओ, ये सब तुम लोगों का वहम है, बस और कुछ भी नहीं। लेकिन मैम, मैंने बोला ना, गो टू योर बेड नाउ। लीना ने भले ही दोनों बच्चियों की बात को उस वक्त ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, लेकिन असल में वो भी कुछ परेशान सी थी। फिर अगले दिन, मैम मे आई कम इन? यस लीना, कम इन सिट, बताओ क्या बात है? मैम हॉस्टल में फिर से वही सब हो रहा है, इस बार फिफ्थ स्टैंडर्ड की रिनी के साथ हुआ। मैम मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लीना ये सब बच्चों की शरारत है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। लीना और स्कूल के प्रिंसिपल आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वो दोनों फौरन हॉस्टल की तरफ भागे। फिर वहाँ जो उन्होंने देखा उस पर वाकई विश्वास करना मुश्किल था। वो रिनी की फ्रेंड वंशिका थी जो कि उल्टी चल रही थी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो अपने होश में तो बिल्कुल नहीं है। मैम ये तो वंशिका है, रिनी की रूममेट। तुम रुको, मैं इससे बात करती हूँ। वंशिका स्टॉप, वेयर आर यू गोइंग, कम हियर। प्रिंसिपल की आवाज सुनकर वंशिका रुक गई और फिर, वंशिका आंसर माई क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग? वंशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। प्रिंसिपल ने उसके चेहरे से उसके बाल हटाए तो देखा कि वंशिका की आंखें तो बंद थी। लीना ये तो सो रही है, इसे नींद में चलने की बीमारी है क्या? मैम ऐसा तो पहले कभी कुछ नहीं हुआ इसके साथ। ऐसा करो, तुम इसे इसके मेडिकल रूम में ले जाओ और इसका चेकअप करवाओ। जी मैम, पर लीना गो। लीना वंशिका को लेकर चली गई, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी और उधर प्रिंसिपल भी बेचैन थी। फिर कुछ देर बाद, मैम मैम क्लास में भूत है, आहा, भूत है वहाँ। व्हाट रबिश समायरा, डू यू नो व्हाट आर यू सेइंग? मैम प्लीज प्लीज कम विद मी प्लीज। प्रिंसिपल समायरा और टीचर के साथ क्लास में पहुंची। क्लास की छत पर कुछ बच्चों के नाम अपने आप लिखे जा रहे थे, वो भी खून से। ये देखकर बच्चे बहुत डर गए थे। प्रिंसिपल ने ऐसा कुछ इससे पहले कभी नहीं देखा था। सभी लोग एकटक क्लासरूम की छत की तरफ देख रहे थे। तभी अचानक छत पर से सारे बच्चों के नाम मिट गए और अब की बार खून से समायरा नाम लिखा जाने लगा। अब तो प्रिंसिपल को भी थोड़ा डर लगने लगा, तो वही छत पर खून से लिखा अपना नाम देखकर समायरा थरथर कांपने लगी। समायरा समायरा सारे बच्चों को बाहर लेकर जाओ अभी। ओके मैम। इससे पहले कि समायरा टीचर बच्चों को क्लासरूम से बाहर ले जा पाती, रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये देखकर सबके माथे से पसीना बहने लगा और कुछ बच्चे तो दहाड़े मार कर रोने भी लगे। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। सभी लोग फौरन बाहर स्कूल के गार्डन में आ गए। बच्चे बुरी तरह से घबराए हुए थे और लगातार अपने पेरेंट्स के पास जाने की जिद कर रहे थे। मजबूर होकर प्रिंसिपल को सभी पेरेंट्स को स्कूल में बुलाना पड़ा। मैम ये शहर का बेस्ट रेटेड स्कूल है, इसीलिए हमने अपने बच्चों को आपके भरोसे यहाँ पर छोड़ा है। लेकिन फिलहाल जो हमारे बच्चे कह रहे हैं, अगर वो सच है तो हमें कुछ सोचना होगा। रिनी का तो रो रो कर बुरा हाल है मैम, अब आप ही बताइए मैं उसे यहाँ कैसे छोड़ दूँ। देखिए आप सब शांत हो जाइए, अब तक यहाँ किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। हाँ कुछ अजीबोगरीब चीजें हुई है पिछले दिनों, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ ये सब बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। बस तब तक आई नीड सम कोऑपरेशन। फिलहाल कुछ दिनों के लिए आप अपने बच्चों को अपने साथ घर ले जाइए, जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होता है बच्चे फिर से हॉस्टल में रहने आ सकते हैं। प्रिंसिपल की बात मानकर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, सिवाय राम प्रसाद जी के। वो अपने पोते विकास के साथ अभी भी प्रिंसिपल मैम के रूम में ही बैठे थे। आप विकास के दादाजी है ना? देखिए मैं समझती हूँ आपकी चिंता, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, आई प्रॉमिस मैं सब ठीक कर दूंगी। नहीं ये सब आपके बस की बात नहीं है, आप कितने भी कोशिश कर लो वो यहाँ से जाएगी नहीं। क्या कह रहे हैं आप, कौन नहीं जाएगी यहाँ से? मैडम जी आप मानो या ना मानो, सच तो यही है कि यहाँ एक आत्मा है जो ये सब कर रही है। व्हाट रबिश, देखिए ये सब बकवास मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। असल में ये सब हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब करने की एक कोशिश है जिसे मैं नाकाम करके ही रहूंगी। मैडम जी क्यों जिद कर रही हैं?
आपका चेहरा बता रहा है कि आपने भी उस आत्मा को महसूस किया है। देखिए, मैंने सालों तक तंत्र विद्या सीखी है और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, मैं आपको परमिशन देती हूँ। बस इतना याद रहे कि इस सब के बारे में आप बाहर किसी से कुछ नहीं कहेंगे। प्रिंसिपल के पास और कोई चारा भी नहीं था, उन्हें कुछ भी करके अपने स्कूल को बचाना था। रामप्रसाद जी ने स्कूल कैंपस में ही एक बड़ी पूजा की तैयारी की। हालांकि इस बीच भी बहुत कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही डरावना था, लेकिन रामप्रसाद जी ने हार नहीं मानी। वो कोशिश करते रहे और आखिरकार वो कुछ हद तक कामयाब होते दिखे। सामने आ, मैं जानता हूँ तू यही है। आखिर चाहती क्या है? क्यों इस शिक्षा के मंदिर में डेरा डाला है तूने? क्यों मासूम बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है? बता मुझे, बता। रामप्रसाद जी के ऐसा कहते ही वहाँ तेज हवाएं चलने लगी। फिर अचानक ही समायरा टीचर की आंखें लाल हो गईं। वो खुद को बुरी तरह से मारने लगी। ये देखकर सबकी हालत खराब होने लगी। ए, ये क्या कर रही है तू? बाहर निकल इसके शरीर से। तू शरीर में रहने के काबिल नहीं है, बाहर निकल। ये क्या? ये तो एक बच्ची है और ये यूनिफॉर्म, ये भी हमारे स्कूल की है। हाँ मैम, इतना सब कुछ तो याद है, पर मुझे भूल गई आप। मैं राधा हूँ। अब कुछ याद आया? राधा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? और उससे भी बड़ा सवाल, तुमने सुसाइड क्यों किया था? समायरा, इससे मिलो, ये राधा है, न्यू एडमिशन। ये अब से हमारे हॉस्टल में ही रहेगी। राधा, गो देयर एंड वेट फॉर मी। मैम, ये बच्ची कौन है और ऐसे हाफ सेशन में इसका एडमिशन लेने का क्या मतलब है? एक्चुअली ये बच्ची बहुत गरीब घर से है, इसकी माँ कांता मेरी मेड है। बच्ची बहुत ही होनहार है, तो इसलिए मैंने तो आपने इसको हमारे स्कूल में एडमिशन दे दिया। मैम, हाउ कैन यू डू दिस? ये बच्ची हमारे स्कूल के स्टैंडर्ड को कैसे मैच कर पाएगी? शट अप समायरा, यहाँ स्टैंडर्ड अमीरी गरीबी से नहीं बल्कि पढ़ाई से बनता है। टेक केयर ऑफ हर एंड यू कैन गो नाउ। मैम, ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने मेरी ड्रेस पर कलर गिराकर इसे खराब कर दिया। उफ, इतने बड़े स्कूल में ऐसे ही मुंह उठाकर चली आओगी तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ना। अब जाओ और जाकर अपनी ड्रेस चेंज करके आओ। ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब इस स्कूल में मुझे बुली नहीं किया गया। मैंने जब भी शिकायत की तो उल्टा ही समायरा टीचर ने मुझे ही डांट दिया। मैंने आपके पास आकर शिकायत करने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से भी मुझे रोक दिया गया। मैं सब कुछ बर्दाश्त करती रही क्योंकि मैं हर हाल में इस स्कूल में पढ़ना चाहती थी, लेकिन फिर एग्जाम का दिन आया। मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया था, मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आ सकती थी, लेकिन हेलो स्टैंडर्ड, चल जरा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता। मैं क्यों बताऊं? देख, बता दे जल्दी से, वरना क्या करोगी तुम लोग? हर रोज मेरा मजाक उड़ाती हो और आज एग्जाम में मुझसे मदद मांग रही हो, वो भी ऐसे। थोड़ा अच्छे से बात करो तो शायद मैं आंसर बता भी दूं। अच्छे से बात, और वो भी तुझसे, तू इस लायक है भी। चल मत बता आंसर। लेकिन अगर हमारी आंसर शीट कंप्लीट नहीं होगी तो तेरी कैसे हो सकती है? रिनी और वंशिका ने मेरी पूरी आंसर शीट मेरे सामने फाड़ दी। ये समायरा टीचर वहीं पर थी, पर इसने कुछ भी नहीं किया। उल्टा आंसर शीट नहीं होने पर इसने मुझे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया। मैं क्या करती? मैं फेल नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं जाकर 6th फ्लोर से नीचे कूद गई। सोचा था मरने के बाद इस सब से छुटकारा मिल जाएगा मुझे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस स्कूल में पढ़ने की मेरी तमन्ना अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं मरकर भी यहाँ से नहीं जा सकी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ राधा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि समायरा को इसके किए की सजा मैं दिलवाऊंगी, लेकिन प्लीज तुम वो सब मत करो जो कर रही हो। इस स्कूल में तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं जो वाकई यहाँ दिल लगाकर पढ़ना चाहते हैं। उनकी खातिर प्लीज प्लीज यहाँ से चली जाओ। ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। जो मेरे साथ हुआ वो फिर कभी किसी और के साथ नहीं होना चाहिए यहाँ, वरना नहीं। मैं वादा करती हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही राधा वहाँ से गायब हो गई। उस स्कूल को छोड़कर अब वो जा चुकी थी जहाँ पढ़ना उसका सपना था, लेकिन क्या वाकई ये सच था? एक गांव में दिनेश और शीतल एक छोटे से घर में रहते थे। दिनेश एक ऑफिस में काम करता था और शीतल घर पर रहकर घर का सारा काम करती थी। दिनेश और शीतल के दो बच्चे थे, बेटे का नाम मयंक और बेटी का नाम पिंकी। दिनेश और शीतल हमेशा से मयंक को ही ज्यादा प्यार करते थे और पिंकी पर कुछ खास ध्यान नहीं देते थे। एक दिन दिनेश और उसका परिवार दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं।
यहाँ वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, पर मैं मयंक के स्कूल के बारे में सोच रही थी। उसका एडमिशन भी तो करवाना है। तुम चिंता मत करो, मेरी पास के स्कूल में बात हो गई है। मेरे बॉस की वहाँ बहुत अच्छी जान पहचान है, इसलिए वहाँ एडमिशन हो पा रहा है, वरना यहाँ एडमिशन कराना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, पर एक ही बच्चे का एडमिशन हो सकता है। हाँ तो मयंक का एडमिशन करा देंगे। और मैं कौन से स्कूल में पढ़ूंगी माँ? ओह, बड़ी आई पढ़ने वाली, पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर नहीं बन जाएगी तू। आखिर एक दिन शादी करके अपने घर ही जाना है तुझे, समझी? पिंकी बहुत रोती है, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। कुछ दिन बाद से मयंक नए स्कूल जाना शुरू कर देता है। एक सुबह वो स्कूल के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी पिंकी उसके कमरे में आती है। देख मेरा नया बैग, नई बोतल, तुझे पता है मेरा स्कूल कितना सुंदर है, कितने सारे झूले हैं वहाँ। सच्ची कितना मजा आता होगा ना तुम्हें स्कूल में, मैडम कितना अच्छा अच्छा पढ़ाती होंगी। चल पागल, पढ़ना किसको अच्छा लगता है, मुझे तो बस वहाँ झूलों पर झूलना और बच्चों के साथ खेलना पसंद है। ये तुम कैसी बात कर रहे हो भैया, पता है पापा कितनी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, और तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुझे जो बात बोल रहा हूँ उसे बस अपने तक ही रखना, समझी? वरना मम्मी से तेरी शिकायत कर दूंगा, और तुझे तो पता ही है फिर मम्मी तेरा क्या हाल करेंगी। तभी वहाँ शीतल आ जाती है। कितनी देर हो गई मयंक, चलो जल्दी स्कूल जाओ वरना बस निकल जाएगी। फिर मयंक स्कूल के लिए निकल जाता है। पिंकी पूरा दिन घर के कामों में ही अपनी माँ का हाथ बटाती रहती है। उसे स्कूल ना जाने का बड़ा ही दुख होता था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक रात पिंकी को नींद नहीं आ रही होती है तो वो खिड़की पर जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर की ठंडी हवा ले रही होती है। पिंकी खड़ी खड़ी स्कूल के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसे आवाज आती है। BAT बैट, CAT कैट। अरे ये इतनी रात में बच्चों के पढ़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? पिंकी उस आवाज को और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है तो एक बार फिर से उसे आवाज आती है। चलो बच्चों, अब अपनी हिंदी की किताब निकालो, मैं आज तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगी। अरे ये तो किसी टीचर की आवाज है जो बच्चों को पढ़ा रही है, पर इतनी रात को कौन सी टीचर पढ़ा रही है? पिंकी इधर उधर देखती है तो थोड़ी दूर पर उसे एक बिल्डिंग दिखती है जिसकी एक खिड़की से रोशनी आ रही होती है और उस खिड़की से बच्चों और टीचर की भी आवाज आ रही होती है। पिंकी बिना डरे चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और उस बिल्डिंग के पास जाती है। बिल्डिंग पर विद्यालय लिखा होता है। पिंकी बिना सोचे समझे स्कूल के अंदर घुस जाती है। अंदर एक अजीब शक्ल की औरत रिसेप्शन पर बैठी होती है। वो पिंकी को देखकर बोलती है, तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो गई है, चलो जल्दी जाओ और कल से लेट मत आना। मेरी क्लास? पर मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। कोई नहीं, चलकर देख लेती हूँ। पिंकी ऊपर जाती है तो वहाँ एक और मैडम हाथ में फाइल लिए घूम रही होती है। वो भी पिंकी को देखकर उससे बोलती है, चलो जल्दी जाओ अपनी क्लास में वरना मैम बहुत गुस्सा करेंगी। पर मैं तो, बातें बाद में करना, चलो अभी जल्दी से अपनी क्लास में जाओ। पिंकी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो पहली बार उस स्कूल में आई है पर सब उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो उसी स्कूल की बच्ची हो। पिंकी क्लास में घुसती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ एक चुड़ैल भूतिया बच्चों को पढ़ा रही होती है। पिंकी जोर से चिल्लाती है, बचाओ! शोर मत मचाओ, दिख नहीं रहा बच्चे टेस्ट कर रहे हैं और तुम इतनी लेट क्यों आई हो? चलो चुपचाप अंदर आकर बैठो और कल से लेट मत आना। पिंकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। डर के मारे उसकी वहाँ से भागने की हिम्मत भी नहीं हो रही होती। अब क्या बाहर ही खड़े रहना है? सुनाई नहीं दिया, बोला ना अंदर आकर बैठो, चलो जल्दी आओ। जी 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 मैडम। पिंकी चुपचाप अंदर आकर एक खाली सीट देखकर बैठ जाती है। पिंकी की सीट पर पहले से ही एक नया बैग, नई बुक, नई बोतल और बहुत सी चीज होती है। वाह ये बैग तो कितना सुंदर है। ये सब तुम्हारा ही है, चलो अब जल्दी से तुम भी अपनी कॉपी किताबें निकालो। पिंकी अपने बैग से कॉपी किताबें निकालती है और बाकी भूतिया बच्चों के साथ पढ़ने लगती है। चुड़ैल टीचर बड़े ही प्यार से बच्चों को पढ़ा रही होती है। पिंकी पढ़ाई में इतना खो जाती है कि उसका डर थोड़ी देर में अपने आप खत्म हो जाता है। वो पूरा ध्यान लगाकर चुड़ैल टीचर का पढ़ाया हुआ समझती है और उसे वहाँ बड़ा ही मजा आता है। क्लास खत्म होने के बाद चुड़ैल टीचर सबको टॉफी भी देती है। थैंक यू मैडम। अब कल टाइम से स्कूल आना, ठीक है? फिर मैं तुम्हें रोज टॉफी दूंगी। ठीक है मैडम, मैं कल से टाइम पर आऊंगी। पर एक बात याद रखना। क्या बात मैडम? यही कि किसी को भी इस स्कूल के बारे में नहीं बताना वरना कोई तुम्हें यहाँ दोबारा नहीं आने देगा। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
पिंकी की स्कूल की छुट्टी रात के 3 बजे हो जाती है और फिर वो अपने घर आकर चुपचाप सो जाती है। पिंकी अगले दिन उठती है पर किसी को भी रात की बात के बारे में नहीं बताती क्योंकि उसे डर होता है कि उसके इस स्कूल के बारे में जानने के बाद मम्मी पापा उसे वहाँ नहीं जाने देंगे। इसी डर की वजह से वो किसी को कुछ नहीं बताती। पिंकी को पढ़ने का इतना शौक होता है कि उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसे रात में एक भूतिया स्कूल में जाना पड़ रहा है और वहाँ पढ़ने और पढ़ाने वाली चुड़ैल है। पिंकी रात के 12 बजने का इंतजार करती है। जैसे ही 12 बजते हैं वो दोबारा उसी स्कूल में पढ़ने जाती है और खूब मन लगाकर पढ़ती है। कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ इतना सब सीखने को मिल रहा है। पिंकी रोज रात को उस स्कूल में जाती और सभी भूतिया बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई करती और ऐसे उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। इतने सालों में पिंकी के स्कूल के बारे में किसी को भी पता ही नहीं चलता। पिंकी और मयंक अब बड़े हो जाते हैं। मयंक इतना पढ़ने के बाद भी नालायक होता है और पिंकी बहुत ही होशियार हो चुकी होती है। एक दिन शीतल और दिनेश मयंक पर चिल्ला रहे होते हैं। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी तेरी पढ़ाई पर लगा दी पर तूने सब बर्बाद कर दिया। जब देखो फेल ही होता है, हद हो गई है। मेरे पास अब एक पैसा नहीं बचा जो मैं तेरी पढ़ाई पर लगा सकूं, समझा? आपने मेरे ऊपर पैसे लगाए तो कोई एहसान नहीं किया मुझ पर, और मैंने अपनी तरफ से पढ़ाई की है। अब मैं फेल हो गया तो हो गया, इसमें इतना गुस्सा क्यों रहे हो? हे भगवान, इस लड़के को तो बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं रही। मयंक पढ़ने में कभी ध्यान नहीं देता था और ऊपर से वो दिन पर दिन और भी ज्यादा बदतमीज होता जा रहा था। धीरे धीरे उसने घर से पैसे तक चुराने शुरू कर दिए थे। एक दिन जब दिनेश और उसका परिवार उसके बॉस के घर पार्टी में जाते हैं तो मयंक वहाँ भी चोरी करने लगता है और दिनेश का बॉस उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। ये वही है ना जिसका मैंने स्कूल में एडमिशन कराया था? देखो तो आज मेरे ही घर में चोरी कर रहा है। दिनेश, तुम्हें कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? सर, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं एक चोर के बाप को नौकरी पर नहीं रख सकता, ठीक है? गेट आउट। मयंक की हरकत की वजह से दिनेश की नौकरी चली जाती है। कुछ ही समय में वे लोग सड़क पर आ जाते हैं। उनके घर में खाने को एक दाना भी नहीं होता। पिंकी को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। वो आस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देती है और घर का खर्चा चलाने लगती है। जब ये बात दिनेश और शीतल को पता चलती है कि उनकी बेटी पिंकी बच्चों को पढ़ाती है तो वो दोनों बहुत हैरान होते हैं। पिंकी तो कभी स्कूल गई ही नहीं तो फिर बाकी बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है? यही बात सोच सोच कर तो मैं भी परेशान हूँ। एक दिन दिनेश और शीतल पिंकी से ये बात पूछते हैं पर वो बताने से हिचकिचाती है कि उसने इतनी पढ़ाई आखिर कहाँ से की। शीतल पिंकी के पीछे ही पड़ जाती है और पिंकी को सब सच बताना पड़ता है। पिंकी की बात सुनकर शीतल और दिनेश तंग रह जाते हैं। तुम पढ़ाई करने के लिए आधी रात को भूतों के स्कूल में जाया करती थी? ये सब हमारी गलती है, हमने कभी तुम्हारी पढ़ाई को अहमियत नहीं दी जबकि तुम्हारे अंदर पढ़ने की कितनी लगन थी। हमने उस नालायक पर सारे पैसे लगा दिए जिसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, हमें माफ कर देना बेटी। दिनेश और शीतल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। पिंकी उसके बाद उस भूतिया स्कूल में पढ़ने कभी दोबारा नहीं जाती पर वहाँ की टीचरों को हमेशा दिल से धन्यवाद देती है, उन्हें कभी नहीं भूल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।